तो ही यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सभी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, गुड। क्योंकि किसी की भी सेकंड बेबी है तो पहले अपने फर्स्ट बच्चे से बात कीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। इस टाइम पे उसकी भी लाइफ चेंज होने वाली होती है, उसकी भी मम्मी पापा को कोई और मम्मी पापा बोलने वाला होता है, तो वो भी बहुत सहमा होगा, तो उसके साथ बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि दोनों बच्चों में अच्छा रैपोर रहे। एंटीनेटल क्लासेस में क्या होता है, उसमें तीन हिस्से होते हैं, एक जो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आप बात कर रहे हो, एक होता है डायटिशियन, और तीसरे होते हैं जो फिजियोथेरेपी करवाते हैं या एक्सरसाइजेस दिखाते हैं। तो ये क्लासेस काफी बेनिफिशियल होते हैं, ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस मिले, आपको हर तरह से आप गाइड हो सको। रेस्ट जब आप ले रहे हो तो बेस्ट पोजिशन की आप बाई तरफ मोड़ के लेते, नेक्स्ट रूट भी आप दाई तरफ मोड़ के लेते, और लास्ट आप सीधा लेते। इसका भी बहुत आसान सा रीजन है, जैसे आपकी टमी बढ़ने लगती है, उसके पीछे जितने भी हमारे खून की नलियां हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स है, उसपे वो प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे प्रेशर क्रिएट करेगी तो ब्लड ठीक से नहीं आ पाएगा बॉडी में, तो उससे प्रेशर हट से घट सकता है, या तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। तो कभी भी ऐसा आप सीधे लेटे हो और आपको लगे कि मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा लग रहा है, फर्स्ट थिंग क्या करना है, लेफ्ट हो जाना है और अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है, उससे बढ़िया वो टेस्ट वगैरह तो बेटर रहेगा। नाउ कम्स द लास्ट 3 मंथ्स। अभी तक आते आते ना लगने लगता है कि हाँ ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है प्रेगनेंसी, ये कब से झेल रहे हैं, बट नाउ सीरियसली यू आर वेरी क्लोज। जब आपने आप अपने छोटे से हार्ट को अपने हाथ में लेके घूमने वाले हो, इट्स वेरी क्लोज टू दैट पार्ट। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि खाने पीने का जो जैसे पहले चल रहा था वैसे, बट जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग अंडा जो है प्रॉपरली उबाल के खाए, जो चिकन मटन बन रहा है वो घर में फ्रेश खाए, नेक्स्ट दिन फ्रिज से निकाल के गर्म करके खाना अवॉइड करना बेटर रहेगा। सलाद वगैरह आप जब खा रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से धो ले और उसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड ना करें, ठीक है। और भी जैसे दूध, गाय का दूध डायरेक्टली लेके पीना इस टाइम में बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है, हमेशा जो है पैस्चराइज मिल्क जो आता है उसी को लीजिए, और वो डबल टोन्ड मिल्क हो तो आप कितना भी अमाउंट दिन में आप पीना चाहो तो पी सकते हैं, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट कम रहता है। तो दिन में आप जितने चाहे ले सकते हैं, हम लोग बोलते हैं एटलीस्ट 5 पोर्शंस पर डे। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो हमारे पूरे दिन का मेन खाना कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल रोटी ये सब कुछ, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। उसके साथ लेना चाहिए लो फैट प्रोडक्ट, लो फैट जैसे आपको बोला मैंने कि डबल टोन्ड मिल्क लीजिए रादर देन के जो फैटी मिल्क आता है, जो क्रीम वाला मिल्क आता है। और प्रोटीन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन सोर्स काफी आसान हो जाता है, जैसे फिश मीट एग, पर प्रॉब्लम होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए। सो दूध दाल सोयाबीन ये सब गुड सोर्सेस होते हैं प्रोटीन के, तो इसको जो लोग वेजिटेरियन है उसको लेने की कोशिश कीजिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ये भी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है प्रेगनेंसी में, स्पेशली एंड की तरफ। तो उसमें क्या करना चाहिए कि घर के जो टोटके होते हैं, जैसे मैंने बोला कि घर में बनी हुई दही, ज्यादा ज्यादा पानी पीना, लेमन जूस, पक्के गुआवा जो होते हैं वो खाना, पक्का पपीता खाना, ग्रीन टी, ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा आपके स्टूल को नरम करने। तो बेसिक कुछ एक्सरसाइज इस टाइम में जरूरी है, क्योंकि ये टमी जितना बड़ा होगा उसके सामने रहता है बाथरूम का रास्ता, तो ये उसको प्रेशर डालेगा और उस वजह से क्या होता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है बाथरूम जाना है, चाहे बहुत ज्यादा टॉयलेट होता है ऐसा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके होगा पर बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है टॉयलेट। तो इसीलिए इस वक्त एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, वो जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं आज आपको फिर बता देंगे डिटेल में कैसे करना होता है। तो उसको करना चाहिए, उससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, उस वजह से डिलीवरी के बाद भी जो मसल्स रिलैक्स नहीं हो जाते और आपका जो बाथरूम और स्टूल पास करने की होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको मेंटेन करते हैं, और दूसरा ये नॉर्मल डिलीवरी में टू सम एक्सटेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक बैग रेडी रखिए घर पे बर्थ के लिए, ताकि अगर किसी को सडनली पानी टूट गया या किसी का बच्चा अचानक चल नहीं रहा है या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो आपको भागा भागी में बैग भी सेट ना करना पड़े। इसमें सारे आईडी प्रूफ होने चाहिए आपके, आपके कुछ कपड़े होने चाहिए, डॉक्टर्स के सारे प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो एक बैग में रखिए ताकि हॉस्पिटल जाते वक्त बस वो बैग लिए और जा सके हम लोग, और जितनी भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स है उस बैग में एक रख लीजिए। फाइन, सो
love and luck. Wish you all the best for bringing a new life into this world. अभी हमें आपको बुलाना चाहूंगी देवोलिका को, जो हमारे यहाँ डाइटिशियन है, वो आपको डाइट